अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज अपन देखेंगे अर्नोट की ज़िंदगी के बारे में और वो क्या डाइट करते थे उसके बारे में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो हैं वो अर्नोल्ड को एक पॉपुलर हॉलीवुड एक्टर की तरह जानते हैं, पर बहुत सारे लोगों को जो कि खासकर हेल्थ और फिटनेस में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें ये भी पता है कि अर्नोल्ड एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर भी रह चुके हैं। अर्नोल्ड ने मिस्टर ओलंपिया जैसे प्रेस्टीजियस बॉडी बिल्डिंग अवार्ड को 7 बार जीता हुआ है। और मैं ये भी बता दूँ दोस्तों कि बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में तो वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं कि उनके नाम पर एक बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड इवेंट जिसे कि अर्नोल्ड क्लासिक के नाम से जाना जाता है, वो भी हर साल कंडक्ट किया जाता है। तो इन सारी बातों का सार ये है कि अगर अर्नोल्ड को मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग का आइकन भी माना जाए तो इसे कोई झुटला नहीं सकता है। वैसे तो अर्नोल्ड के ऊपर कहने को इतना कुछ है कि इस वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज इस वीडियो में हम फोकस करेंगे अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के डाइट प्लान के ऊपर, जो कि वो कंज्यूम करा करते थे अपने बॉडी बिल्डिंग के डेज में, यानी कि जब वो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलते थे। बहुत सारे इंटरव्यूज हैं जिनमें कि अर्नोल्ड इस चीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर देते हैं कि जो भी व्यक्ति बॉडी बिल्ड करना चाहता है उसे करीब 5 से 6 मील तो खानी ही चाहिए, जहाँ तक हो सके अपने वर्कआउट्स के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहिए, और जब भी जरूरत पड़े अपने प्रोटीन के लेवल को बढ़ाने के लिए तो प्रोटीन शेक का इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या है अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का डाइट प्लान। अर्नोल्ड अपनी पहली मील में खाते थे 3 से 4 होल एग, 2 पीसेस ऑफ बेकन और साथ में 2 पीस एजकील ब्रेड के, जिसके ऊपर वो आलमंड बटर लगाते थे। एग से हमें बहुत ही अच्छे हाई क्वालिटी का प्रोटीन मिलता है, जो कि हमें मदद करता है मसल टिश्यूज को डेवलप करने में। साथ में एग्स के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पूरा सेट भी पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। बेकन के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। एजकील ब्रेड से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, जो कि हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वर्कआउट करने के लिए। और इस मील को लेने के बाद अर्नोल्ड लेते थे 1 मल्टीविटामिन कैप्सूल। इस मील के 2 घंटे के बाद अर्नोल्ड के वर्कआउट का टाइम हो जाता था और अपने वर्कआउट से पहले वो लेते थे 1 स्मॉल स्कूप ऑफ एग्मेटिन पाउडर। एग्मेटिन एक तरह का कंपोनेंट है जो कि हमारी बॉडी में मसल को पंप करने की जो कैपेसिटी है बॉडी की वो इंक्रीज कर देता है, बॉडी में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करके। और इसी के साथ साथ ये मदद करता है बॉडी में मसल ग्रोथ की, ज्यादा LH और हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल को प्रोड्यूस करके। इस प्री वर्कआउट सप्लीमेंट को लेने के बाद अर्नोल्ड अपना वर्कआउट करते थे और अपना वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद वो यूज करते थे 1 स्कूप ऑफ वेट गेन पाउडर और इसे वो लेते थे 1 होल ग्लास ऑफ मिल्क के साथ। और इस सप्लीमेंट को कंज्यूम करने के कुछ देर के बाद बारी आ जाती थी उनकी मील नंबर 2 की। मील नंबर 2 में अर्नोल्ड कंज्यूम करते थे 300 ग्राम्स ऑफ रेड मीट और ग्रिल्ड फिश, और इसके साथ वो खाते थे 1 कप ऑफ वेजिटेबल्स और साथ में वो लेते थे 1 स्वीट पोटैटो एंड सम कैश्यूज वॉलनट एंड आलमंड। रेड मीट और फिश से अगेन उन्हें प्रोटीन मिलता था मसल्स को डेवलप करने के लिए। वेजिटेबल के अंदर बहुत मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो कि हमारे डाइजेशन को अच्छे से वर्क करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। साथ में वेजिटेबल के अंदर बहुत प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। स्वीट पोटैटो यानी कि शक्करकंदी के अंदर बहुत ही हाई क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, जो कि वर्कआउट के बाद बॉडी को एनर्जी देने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। और नट्स जो कि कैश्यू वॉलनट्स और आलमंड्स, इससे हमें बहुत ही हाई क्वालिटी के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, जो कि हमारे हार्ट हेल्थ और ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। अपनी मील नंबर 3 में अगेन अर्नोल्ड 1 स्कूप ऑफ वेट गेन पाउडर लेते थे 1 ग्लास ऑफ होल मिल्क और इसके अंदर वो 1 स्मॉल स्कूप ऑफ प्रोटीन पाउडर भी ऐड करते थे। ये जो वेट गेन पाउडर है ये उनकी बॉडी को रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था उनके हैवी वर्कआउट से रिक्यूपरेट करने में। अपनी मील नंबर 4 में अर्नोल्ड खाते थे 360 ग्राम of chicken breast with 1 to 2 cups of brown rice and 1 large bowl of salad. Again, chicken से उनकी बॉडी को प्रोटीन मिलता है मसल्स को डेवलप करने के लिए। ब्राउन राइस के अंदर भी बहुत अच्छे अमाउंट का फाइबर और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते और साथ में हमारी बॉडी की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करते हैं। अपनी मील नंबर 5 में अर्नोल्ड खाते थे 2 cups of cottage cheese यानी के पनीर with 60 grams of nuts जिसके अंदर होते थे almonds,
वॉलनट्स और कैशूज, और सोने से पहले आर्नोल्ड लेते थे नाइट सपोर्ट पाउडर विथ 5-HTP। 5-HTP एक अमीनो एसिड है जो कि हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है सेरोटोनिन हार्मोन को बनाने के लिए। इस सप्लीमेंट का इस्तेमाल करा जाता है स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करने के लिए ताकि हमारी बॉडी मैक्सिमम मसल ग्रोथ को कर पाए। तो दोस्तों ये है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का डाइट प्लान जिसका कि वो इस्तेमाल करा करते थे अपने बॉडी बिल्डिंग डेज में। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप उन्हें मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और कृपया शेयर भी जरूर करें ताकि और भी लोगों तक ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, और साथ में हमारे